भाई स्विट्जरलैंड जाने का मन है फिर? हाँ बट अभी हम जर्मनी, चलो चलते स्विट्जरलैंड में, कैसे जाएंगे? कैसी बात कर रहा है यहाँ पे, अगर तू 5 मिनट जाएगा यहाँ से तो स्विट्जरलैंड आ जाएगा। सच में? सही में चलना है, चलते हैं फिर। चलो फिर चलते हैं। तो जो ये बोर्डन जे है, ये 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। और जो अभी हम जिस पार्ट में हैं वो जर्मनी में है, और यहीं साथ में स्विट्जरलैंड भी है और ऑस्ट्रिया भी है। और अभी मैं ऐसा व्यूज देख रहा हूँ कि मतलब पागली होने वाला व्यू है यार ये। सो जो सामने व्यू है बोर्डन जे का, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई असली है, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म का सेट है और ऐसा नकली सा लग रहा है क्योंकि इतना परफेक्ट है। आई विश कि आप लोग भी जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। बट हम ट्राई करेंगे कि आपको वीडियो में ही सब कुछ दिखाएं, और कभी आपका जब कभी होगा इधर आने का तो आप भी देख सकते हैं। आई डोंट नो कि आपको पहाड़ दिख रहे हैं सामने, वही एल्प्स हैं, और ये जो फेरीज हैं यहाँ पे। और ये सारा प्राइवेट डॉक है, जो भी आप बोट देख रहे हैं ये सारी पर्सनल है लोगों की, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी वेकेशन मनाने आते हैं और अपना बढ़िया एंजॉय करते हैं, अपनी बोट वगैरह चलाते हैं। अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे, मेरे को लग रहा है सारे। सो अभी हम कॉफ़ी और पेट्सल का आनंद ले रहे हैं, और फॉर योर FYI, जब भी आप किसी बड़ी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हर बड़ी सिटी के ट्रेन स्टेशन में ये योरमास मिल जाएंगे। देयर यू कैन ग्रैब अ कॉफ़ी और पेट्सल और एनीथिंग दैट यू वांट टू ईट। आई मस्ट से दैट दिस इज़ प्रीटी चीप एंड पॉकेट फ्रेंडली। सो अभी हम बस में बैठ रहे हैं और ये बस हमें लेके जाएगी कॉन्स्टांस। सोचा था कि बढ़िया सीट पे बैठ के जाएंगे, बट नहीं हो पाया। फिर क्या था, खड़े होके ही बढ़िया व्यूज के नज़ारे लिए, और आप सामने देख सकते हैं ये अंगूर की खेती, और इससे बनाई जाएगी वाइन जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी। तो सामने आप देख सकते हैं बोर्डन जे। इस बोर्डन जे की मैक्सिमम लेंथ है 60 किलोमीटर्स एंड मैक्सिमम विड्थ है अराउंड 14 किलोमीटर्स। और आपने क्या सोचा कि ये बस हमें कॉन्स्टांस तक लेके जाएगी? नहीं नहीं नहीं, अब हम एक फेरी में ट्रैवल करने जा रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि ये बस भी और भी कई गाड़ियां इस फेरी में ट्रैवल करेंगी और कॉन्स्टांस तक जाएंगी। अभी हम यहाँ पे कॉन्स्टांस सिटी सेंटर में पहुँच गए हैं। पास में यहाँ पे ये टूरिस्ट इन्फो सेंटर भी था। हम मैप वगैरह ले आए हैं और हमारे एक्सपर्ट, प्लानिंग एक्सपर्ट, ये सब अब डिकोड करेंगे कैसे कहाँ जाना है। तो अगर आप भी यहाँ पे कॉन्स्टांस आ रहे हो तो आप यहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में जा सकते हो और ये मैप और इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हो।
इतना ही प्यारा है, मतलब आई थिंक नॉर्मली ये सिटी इतनी ब्यूटीफुल होती है। जो ऊपर फूल वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, और मस्त लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। भाई स्विट्जरलैंड जाने का मन है फिर? हाँ, बट अभी हम जर्मनी चलो चलते स्विट्जरलैंड में कैसे जाएंगे? कैसी बात कर रहा है यहाँ पे, अगर तू 5 मिनट जाएगा यहाँ से तो स्विट्जरलैंड आ जाएगा। सच में? सही में चलना है, चलते हैं फिर। चलो फिर चलते हैं भाई। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ पे स्विट्जरलैंड बहुत ही पास में है, और सामने मैं स्विट्जरलैंड का बॉर्डर भी देख सकता हूँ। तो बस हम वहीं जा रहे हैं, और आज मैं तो बोलता खाना भी वहीं खाते हैं। आज मुसाफिर भाई की पार्टी है। हाँ भाई, पार्टी है, पार्टी देंगे इनको आज। पार्टी में क्या देगा? पार्टी में बाल्टी दूंगा ना भाई, समझा, बाल्टी आज पानी की बाल्टी दूंगा भाई। हाँ तो ठीक है, तो देख लो गाइस, इतना इजी आपको, मतलब अभी मैं जर्मनी में घूम रहे हैं, अभी वी आर वॉकिंग इन जर्मनी, और अभी बस 2 मिनट में हम स्विट्जरलैंड क्रॉस कर जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई नहीं पूछता यहाँ पे। अभी आपको दिखाएंगे क्रॉस करते हुए, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो सामने आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है स्विट्जरलैंड का और जर्मनी का, बट कोई बॉर्डर कंट्रोल है ही नहीं, एक भी पुलिस का बंदा नहीं है इधर, अमेजिंग। तो अभी हम बस इसको क्रॉस करेंगे। सो अभी हम हैं जर्मनी में, और ये हम क्रॉस करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड में, और पहुंच गए भाई स्विट्जरलैंड। अरे भाई कितना इजी था यार। यस, सो दिस इज माय सेकंड टाइम इन स्विट्जरलैंड नाउ, और देख सकते हैं यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं स्विट्जरलैंड के। बढ़िया यार, पासपोर्ट ले भाई, मैंने पासपोर्ट नहीं लाया, चल जर्मनी वापस। अरे भाई रुक जा यार। चल भाई, मैंने भी नहीं लाया। हैं? मैंने भी नहीं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिप के बाद हम जा रहे हैं वापस जर्मनी, कुछ फील नहीं हुआ कंट्री क्रॉस किए से, मतलब सेम ही था सारा। तो अभी हम एक राउंड इधर से ऐसे राउंड करके वापस जर्मनी जा रहे हैं, क्योंकि ये अपना रेजिडेंस परमिट और पासपोर्ट वगैरह नहीं लाए हैं। पासपोर्ट तो मैं नहीं लाया हूँ, बट आरपी है मेरे पास, इतना दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी ने पूछा तो शायद दिक्कत हो सकती है। तो शायद अभी चलते हैं यहाँ से, कभी फिर आएंगे। अभी स्विट्जरलैंड वाली साइड इतनी ज़्यादा हैपनिंग नहीं थी, वहाँ पे लोग भी बड़े कम थे, तो इसलिए हम वापस आ गए जर्मनी में, थोड़ा इन्जॉय करते, थोड़ा खाते हैं यहाँ पे। सो जैसे इंडिया में आपको पापड़ वगैरह फ्री मिलता है, यहाँ पे ये कोई टर्किश रेस्टोरेंट है, तो ये ब्रेड इन्होंने फ्री ब्रेड दी है, और साथ में ये सैलेड, बढ़िया है यार। तो ये हमारा डिश आ चुका है, मैंने जाक मंगवाया था, और ये है मोज़ाका, और ये कुछ वेजिटेरियन डिश है, वेजिटेरियन, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, और ये इनका तरीका है सर्व करने का, बहुत ही प्यारा तरीका है, और इसमें भी जाक मंगवाया है, जो भी वेजिटेरियन है, मतलब डिफरेंट वेजिटेबल्स इन लोगों, और इसके साथ हमें पाव सर्व किया है जो अपने पास नॉर्मल मिलता है। तो ये भी मिला पाव भाजी वाला पाव। कौन खाएगा इतने ज़्यादा पाव भाजी वाला? अभी वी आर रियली हंग्री, एंड अभी हम ट्राई करने को बेताब हैं, तो जस्ट ट्राई करते हैं और मिलते हैं आपसे। बहुत ही प्यारा स्टाइल है सर्व करने का, कढ़ाई दे दी है भाई को, कढ़ाई में खा रहा है। तू क्यों सर भाई, तेरे को कढ़ाई दी भैया। तो ये है यहाँ की मेन चर्च म्यूनस्टर, बहुत ऊंची है, ये थोड़ी नई लग रही है काफी।
तो ये भी काफ़ी फेमस स्पॉट है यहाँ पे, और इसका नाम है लेंक ब्रूनन। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हैं जहाँ से इनके मुंह से या कहीं और से पानी निकलता है, मस्त है। बट सो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो, थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हो। वो देखिए, लैंक ब्रूनन भाई कैसा है? लैंक ब्रूनन क्या आर्ट है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। बहुत फेमस है पता तेरे को ये कॉन्स्टांस में? अच्छा यस। ये देख सीधा। तो आप मेरे पीछे ये फारार्ड ब्रूके देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइकिल पिच, और बहुत सारी साइकिल जा रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये पॉइंट भी काफ़ी फेमस है विजिट करने के लिए, तो आप यहाँ आ सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। और उधर आप देखेंगे सामने पार सामने, तो काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं धूप, क्योंकि आज काफ़ी सनी डे है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। सामने भी एक ब्रिज है उधर, और आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड और सब स्विट्ज़रलैंड जर्मनी के झंडे लगे हुए हैं वहाँ पर। अभी हमारा प्लान है कि थोड़ा सा वॉक करेंगे इस ब्रिज पे, और आपको भी दिखाएंगे कि क्या सीन है, कैसा है ये ब्रिज और क्या माहौल है यहाँ पे। तो गाइज आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, जब भी साइकिल यहाँ पे यहाँ से जा रही, देखना 25 हो जाएगा। हाँ तो ये देखिए, तो जब भी यहाँ से साइकिल क्रॉस करती है तो ये काउंटिंग करता है पूरा। अराउंड 6,500 साइकिल निकल चुकी हैं, और पूरे साल में अराउंड अभी जो हाफ ईयर हो गया, तो अराउंड 1.4 मिलियन के आसपास साइकिल गुजर चुकी हैं। बढ़िया सिस्टम है यार। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेजी नाला, जर्मन नाला, आप बॉटम तक देख सकते हैं पूरा नीचे तक, और ये मछलियाँ देख सकते हैं आप, कितना साफ पानी है यार। मेरे को लगता है कि ये उसी बॉर्डन जे का पानी है, बट इन्होंने छोटी सी स्ट्रीम बनाई हुई है जो कि यहाँ से जा रही है उस बॉर्डन जे में। तो आप यहाँ पे भी खड़े हो सकते हैं, इफ़ यू लाइक बियर यू कैन हैव बियर, इफ़ यू लाइक जूस देन यू कैन ऑल्सो कम हियर। क्यों गाइज करनी है बोटिंग? चेक करा भाई प्राइस। हाँ। क्या सीन है? एक घंटे का 20 यूरो, मतलब कितने? चार बंदे जा सकते हैं ना? तीन मैक्सिमम। चलो फिर भी बढ़िया है। बंदे का देखते हैं ना, पाँच का पच्चीस है, पाँच में सस्ता पड़ रहा है। पाँच है क्या? अरे बाद में, मतलब अगर लोग आ रहे हैं, अगर पाँच बंदे हैं तो फिर बढ़िया पड़ रहा है। चलो ये पहले करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। बहुत ज़्यादा धूप लगी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हमने सोचा है कि एक आइसक्रीम हो जाए। कैसी है भैया आइसक्रीम? और अराउंड 3 यूरो की थी आइसक्रीम। आई नो बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया से, पर चलता है यहाँ पे, दिस इज़ नॉर्मल प्राइस।
वी आर बैक अगेन इन फ्रीडरिशहाफन। बहुत अच्छा ट्रिप था आज का। अगर आप भी बोर्डन से आ रहे हो तो सबसे पहले आप फ्रीडरिशहाफन आ सकते हो। कोई भी बड़ी सिटी से आपको ट्रेन मिल जाएगी आसानी से और आप डायरेक्टली फ्रीडरिशहाफन आ सकते हो। कैन विजिट दिस सिटी, वेरी ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पे भी आपको जो बोर्डन से है वो मिलेगा और सिटी इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो विद फेरी टू कॉन्स्टांस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सिटी आई वुड से अराउंड बोर्डन से। और जो ये फेरी है वो आपको आपकी 49 यूरो टिकट में इंक्लूडेड होगी। इट मीन्स कि आपको कोई और टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। अनलिमिटेड राइड्स हैं, जितना मर्जी आप फेरी में जाना चाहोगे उतना आप जा सकते हो। एंड देन कॉन्स्टांस इटसेल्फ द सिटी वाज रियली नाइस। आज हमने टर्किश फूड ट्राई करा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इट वाज रियली टेस्टी। तो आप भी यहाँ पे डिफरेंट क्यूजींस ट्राई कर सकते हैं, जर्मन क्यूजीन ट्राई कर सकते हैं, या तो टर्किश कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप जो करना चाहोगे। एंड देन अगर आप यहाँ पे स्विमिंग करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो फारा स्ट्रासर, उसी के पास में आपको स्विमिंग की भी अपॉर्चुनिटी है। तो मेक श्योर कि आप अपने जो स्विमिंग क्लोथ्स है वो लेके आए और देन यू कैन स्विम इन द लेक एंड देन यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द बोर्डन से। सो या द डे वॉज रियली ऑसम। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज दिस पॉइंट, दिस बोर्डन से। एंड या अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पे कैसे आना है या कोई भी इस ट्रिप से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, देन यू कैन कमेंट हेयर इन द वीडियो एंड देन यू कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आई ऑलवेज देयर। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, टेक केयर।